हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रून चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले डेटा मेटिक्स ग्लोबल कंपनी के। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो उस रिजल्ट्स के बाद आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एज वेल एज यहाँ पर हम जो है शेयर के प्राइस के अंदर किस तरह का यहाँ पर मोमेंटम देख सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पर जो कंपनी के जो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 396 मिलियन रुपीज़ का, जो कि इस बार जो है वो कम होकर हो चुका है 353 मिलियन रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात करूँ तो क्वार्टरली बेसिस पर जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2.9 बिलियन रुपीज़ का, जो कि इस बार है थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है 3 बिलियन रुपीज़ के नियर बाय। बट फिर भी यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी जो एस्टिमेशन थे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर के रिजल्ट इतने ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिले हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शन जो है यहाँ पर हम इस शेयर के अंदर जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी डेटा के हिसाब से बात करूँ तो मार्केट कैप निकल कर रहा था 1963.01 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी जरूर बनाती है, और फेस वैल्यू निकल कर रहती है शेयर की 5 रुपीज़। बीटा है इसका 0.87, जो कि आपको होता था कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.87% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर जो है इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है वो है 39.97। अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर को भी कंपेयर करें तो 22.19 का प्राइस टू अर्निंग और अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है 15.01। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 3.51 और बुक वैल्यू निकल कर आती है 94.9 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, डेट इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यहाँ पर कंपनी का किस तरह का जो नतीजे है, यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ट्रेंड किस तरह का देखने को मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें शेयर के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो है कंपनी के जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट है इतने सारे पॉजिटिव नहीं आने के कारण जो है शेयर के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं करंटली बात करूँ तो नियरली अपने ऑल टाइम हाई के नियरली ही चल रहा है, 382 का इसका ऑल टाइम हाई है, और करंटली वो प्राइस से नियरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो 327.05 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दैट इज ऑलमोस्ट 10-15% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। बट फिर भी यहाँ पर हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5-8% तक का जो फॉल है मार्केट करेक्शन या फिर शेयर की न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्वार्टरली 2 रिजल्ट के आने के बाद अगर इस शेयर के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलता है, तब मेरे हिसाब से आपको जो एक फ्लैट मोमेंटम पे अगर आप चाहो तो ही मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको डेटा मेटिक्स ग्लोबल सर्विस लिमिटेड कंपनी यहाँ पर जो मार्केट में जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन पॉइंट बनाना है, व्यू पॉइंट बनाना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी डेटा रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।